जा रहे हैं एक और बहुत ही ब्यूटीफुल बीच पे सनसेट देखने के लिए। मैंने सुना है इस बीच पे सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, तो मुझे देखना है कैसा होता है, तो चलिए साथ में मिलकर देखते हैं। ये है रोड जो सीधा हमें इस बीच तक ले जाएगी। कंसालिम के आगे ये बीच है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आप सीधे कंसालिम आइए और कंसालिम रोड से सीधा आपको ये रोड मिल जाएगी। पूरे रास्ते पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आपको इस बीच को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इस बीच तक पहुंच सकते हैं। So we have almost reached the beach and oh my god, मुझे सीधे साफ साफ सन दिखाई दे रहा है जो एक बिल्कुल रेड कलर हो चुका है, और हम पहुंच गए आरएसएम बीच पे। ये है पार्किंग। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम आए एक और बीच पे सनसेट देखने के लिए, और हम बीच के बिल्कुल सामने हैं, तो अब हम जाएंगे इस बीच पे सनसेट देखने के लिए। सनसेट का टाइम हो चुका है, सो लेट्स गो एंड सी द सनसेट। बहुत सारे लोग आने शुरू। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, और अब हम जा रहे हैं बीच पे। मुझे सनसेट बहुत पसंद है, सो मैंने सुना था कि इस बीच पे बहुत अच्छा सनसेट होता है, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। ओह गॉड, डोंट टेल मी सनसेट हो गया। नहीं, अभी तो देखा था मैंने रेड कलर का सनसेट। आई थिंक सनसेट हो चुका है। लेट तो नहीं पहुंच गए हम? नहीं, एक्चुअली आजकल सनसेट बहुत जल्दी हो रहा है, शायद इसीलिए। बट स्टिल हम थोड़ी देर रहेंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ का शाम का ब्यूटीफुल नज़ारा। दिस बीच इज़ वेरी क्लीन बीच एंड लेस क्राउडेड बीच। ये ज़्यादा फेमस नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं आसपास वो रोज़ शाम को यहाँ पे आते हैं। दिस बीच इज़ नियर हेरिटेज विलेज इन कंसालिम। As you can see, there's a shark over here where you can have food also. और यहाँ पे बहुत सारे resorts भी हैं actually रहने के लिए। शाम का वक्त है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। Stalls भी दिख रहे हैं थोड़े से। This is a family friendly beach. यहाँ पे आप अपने family के साथ आ सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं और ख़ुद भी आ सकते हैं। Especially evening time यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। मोस्टली लोग इवनिंग टाइम ही आते हैं यहाँ पे। सनसेट तो हो गया है, पर एज यू कैन सी द क्लाउड्स आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड्स नहीं हैं, पर शाम का वक्त आते हैं लोग। शार्क है एक्चुअली, और रेस्टोरेंट्स भी हैं, रिसॉर्ट्स भी हैं, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं एक्चुअली। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस आर सन रेज एक्चुअली। अभी अभी सनसेट हुआ है ना, तो सन रेज दिखाई दे रहे हैं and it's actually looking very beautiful. Wow. It's amazing. It's very very beautiful. काफ़ी अच्छा लग रहा है देखना है। अभी जब मैं बाइक से उतर रही थी तो मैंने देखा था रेड कलर का सन दिखाई दिया था मुझे, पर जैसे ही हम आए 2 मिनट में सनसेट हो गया। बैड लक, बट एज यू कैन सी दिस आर सन रेज। समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही पीसफुल है क्योंकि ये बीच बहुत ही लेस क्राउडेड है।
बट बहुत ब्यूटीफुल बीच है, आई थिंक यू शुड विजिट दिस। अगर आप सनसेट लवर्स हैं जैसे कि मैं हूँ तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी है, एज यू कैन सी पैरासेलिंग वहाँ पे कोई उड़ रहा है, पैरासेलिंग इज गोइंग ऑन देयर। सो एज यू कैन सी सनसेट हो चुका है, शाम हो चुकी है, मैं और मेरे हस्बैंड हमने देख लिया है सनसेट और अब हम जाने वाले हैं घर वापस। सच में गाइस नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था। सन मैंने देखा था लेकिन 2 मिनट में सनसेट हो गया, बट स्टिल द क्लाइमेट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। आई एम डैम श्योर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आपको ज़रूर आना चाहिए इस बीच पे, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही लेस क्राउडेड है और बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। सो आई थिंक यू शुड कम वंस हियर एटलीस्ट। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।